हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में। इसके अंदर जो फ्रेंड्स हमारी जो थ्योरी क्लासेस थी जिसका फ्रेंड्स नाम था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, यानी फ्रेंड्स क्या था जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो थ्योरी क्लासेस था जिसका फ्रेंड्स नाम था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है मॉलिकुलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज। फ्रेंड्स आज हम अपने इस यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका फ्रेंड्स नाम है फार्मल चार्ज। यानी फ्रेंड्स आज अपने इस वीडियो में फार्मल चार्ज के बारे में बहुत ही विधिवत रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहां पर देख रहे हैं कि ये फ्रेंड्स हमारे यूनिट नंबर 1 में फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। यानी फ्रेंड्स आज से मैंने केमिस्ट्री का कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स सिलेबस या पाठ्यक्रम है उसे फ्रेंड्स स्टार्ट कर दिया है। उसके साथ ही मैं साथ में फ्रेंड्स आप सभी को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स अचीव करना, तो 90 प्लस मार्क्स को अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स को अचीव करना है, तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी का यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को कह सकते हैं कि नए सिलेबस के आधार पर फ्रेंड्स जूलॉजी के जितने भी कह सकते हैं कि 5-6 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। उसके साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स बॉटनी के भी कुछ वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, फिर जिसके फ्रेंड्स केवल 1 या 2 वीडियो भी प्रोवाइड करा पाए, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम का अरेंजमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे काफी बार आप भी काफी दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर आप केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करें, तो फ्रेंड्स आज से मैंने केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करा जैसा कि आप भली बात देख ही रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं कि हमारा जो फ्रेंड्स फार्मल चार्ज आकर है क्या। तो मैंने फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही सरल भाषा में फ्रेंड्स इसे लिखा है। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं क्या है फार्मल चार्ज। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि द फार्मल चार्ज डिफाइन एज द चार्ज असाइंड टू एन एटम इन ए मॉलिक्यूल अज्यूमिंग दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉन्ड इक्वली शेयर्ड। यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही सरल भाषा में फ्रेंड्स आप सभी को समझाने के लिए लिखा है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स आप सभी को 110% समझ में आ जाएगा। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक फ्रेंड्स आप फार्मल चार्ज को निकालना नहीं जान पाएंगे तब तक फ्रेंड्स आप रेजोनेंस के बारे में इसके जितने प्रॉपर्टीज होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को फार्मल चार्ज इस वीडियो में आप सभी को हर हाल में सीखना ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि फार्मल चार्ज क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा कि द फार्मल चार्ज डिफाइन एज द चार्ज असाइन टू एन एटम इन ए मॉलिक्यूल अज्यूमिंग दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉन्ड इक्वली शेयर। यानी फ्रेंड्स आप लोग अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आप सभी को इससे इस कह रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल बात मैं आप सभी को समझाऊंगा कि जो फ्रेंड्स फार्मल चार्ज होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स फार्मल आवेश होता है इसे फ्रेंड्स हम किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसे रूप में डिफाइन कर सकते हैं, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मॉलिक्यूल होता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मॉलिक्यूल का मतलब फ्रेंड्स होता है अणु। यानी फ्रेंड्स क्या कि मॉलिक्यूल का मतलब फ्रेंड्स होता है अणु, और फ्रेंड्स जो अणु होते हैं वो फ्रेंड्स किससे बने होते हैं, तो वो फ्रेंड्स बने होते हैं परमाणु से। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने क्लास 9th में 10th में 11th में और 12th में आप इसे सीखा होगा कि जो फ्रेंड्स संसार के सबसे जो कण है वो फ्रेंड्स उसे वह होता है फ्रेंड्स परमाणु। अब फ्रेंड्स जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को हम फ्रेंड्स आपस में मिलाते हैं तो वो फ्रेंड्स क्या बनाता है, तो अणु बनाता है। फ्रेंड्स क्या बनाता है, तो अणु बनाता है। तो आप लोग थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स किसी अणु में, यानी फ्रेंड्स क्या कि इन ए मॉलिक्यूल, यानी फ्रेंड्स किसी अणु में जो फ्रेंड्स परमाणु पाए जाते हैं, फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स एटम पाए जाते हैं, फ्रेंड्स जो परमाणु पाए जाते हैं उन पर जो फ्रेंड्स आवेश होता है, फ्रेंड्स जो उस परमाणु पर कह सकते हैं जो फ्रेंड्स चार्ज होता है उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो फार्मल चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो फार्मल चार्ज कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स मान लिया कि कोई फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स मान लिया कोई अणु है, फ्रेंड्स अणु किससे मिलकर बना होता है, तो वो फ्रेंड्स मिलकर बना होता है परमाणुओं से, फ्रेंड्स एटम से मिलकर बना होता है। और फ्रेंड्स जो कोई भी मान लिया एटम है उस एटम पर फ्रेंड्स जो चार्ज होगा या फिर जो चार्ज असाइन होगा या कैसे जो फ्रेंड्स उस पर चार्ज कर सकते हैं आवेशित होगा उसे ही फ्रेंड्स क्या कहेंगे, तो उसे फ्रेंड्स कहते हैं फार्मल चार्ज। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स कहते हैं फार्मल आवेश। तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी यानी फ्रेंड्स क्या कि किसी भी अणु में पाए जाने वाले जो फ्रेंड्स परमाणु होते हैं उन परमाणुओं पर फ्रेंड्स जो चार्ज होते हैं जो चार्ज आवेशित होता है कैसे जो चार्ज असाइन होते हैं उसे ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स कहते हैं फार्मल चार्ज। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उसे ही कहते हैं फार्मल चार्ज। तो आई होप आप सभी को समझ में इतना आ गया होगा। उसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है कि assuming that all electrons in a bond equally shared, यानी फ्रेंड्स क्या कि इसमें जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स का कि फार्मल चार्ज में जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रेंड्स जब बॉन्ड बनाते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या बनाते हैं कि इन ये बॉन्ड, यानी फ्रेंड्स जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो वो फ्रेंड्स क्या होते हैं कि इक्वली शेयर्ड होते हैं, फ्रेंड्स बराबर बराबर क्या होते हैं, तो शेयर्ड होते हैं। ये फ्रेंड्स आप सभी को इतना समझ में अभी नहीं आया होगा, तो चलिए फ्रेंड्स इससे पहले मैं फ्रेंड्स आप सभी को ये समझा दूं क्या 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 कौन सा बॉन्ड बनता है फ्रेंड्स किस प्रकार से इक्वली शेयर्ड होते हैं। मैं फ्रेंड्स उसका एग्जांपल आप सभी को भी बहुत ही बेहतरीन रूप से देने वाला हूं, तो आप लोग थोड़ा सा समझना है यहां पर।
तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। मान लें फ्रेंड्स कोई क्या है, तो मान लें फ्रेंड्स कोई मॉलिक्यूल है, यानी फ्रेंड्स क्या कि मैं आप लोग मैं यहाँ पर इसे लिख दे रहा हूँ। तो मान लें फ्रेंड्स कोई एक मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, तो मॉलिक्यूल का मतलब फ्रेंड्स होता है अणु, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, तो मॉलिक्यूल का मतलब फ्रेंड्स होता है अणु। अब जो फ्रेंड्स ये अणु होते हैं, ये फ्रेंड्स किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये फ्रेंड्स बने होते हैं हमारे एटम से, यानी फ्रेंड्स किससे, तो परमाणु, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत सारे हम परमाणुओं को आपस में जब मिला लेते हैं फ्रेंड्स तो क्या बनता है, तो फ्रेंड जो हमारा अणु होता है, यानी फ्रेंड जब बहुत सारे परमाणुओं को मिला लेते हैं तो उससे फ्रेंड्स हमारा क्या बनता है, तो उससे फ्रेंड्स हमारा अणु बनता है, यानी फ्रेंड्स क्या बनता है, अणु बनता है। तो आपके पास को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो फ्रेंड्स आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स जो मॉलिक्यूल में जो फ्रेंड्स अणु पाए जाते हैं, और फ्रेंड्स जो इन कह सकते हैं जो फ्रेंड्स परमाणु पाए जाते हैं, और फ्रेंड्स जो इन परमाणुओं पर आवेश होता है, फ्रेंड्स धन आवेश हो या ऋण आवेश होता है, तो इसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो इसे ही फ्रेंड्स कहते हैं फॉर्मल चार्ज। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो इसे ही फ्रेंड्स कहते हैं फॉर्मल चार्ज। तो आपके पास को इतना समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स किसी भी अणु में पाए जाने जो फ्रेंड्स परमाणु होते हैं, या फ्रेंड्स इन परमाणुओं पर जो फ्रेंड्स चार्ज होते हैं, फ्रेंड्स धन आवेश होता है, फ्रेंड्स ऋण आवेश होता है, उसे ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे ही फ्रेंड्स कहते हैं फॉर्मल चार्ज। तो आयु आपसी को इतना समझ में आ गया होगा। अब जो इसमें फ्रेंड्स बात की गई थी इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने के लिए, फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनों को जब हम बांड बनाते हैं तो उसे फ्रेंड्स जब इक्वली शेयर करते हैं वो आखिरकार क्या है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं उसका एग्जांपल देकर आप सभी को भी बता दे रहा हूं कि उसे फ्रेंड्स किस प्रकार से हम इक्वली शेयर करते हैं। इसका फ्रेंड्स एग्जांपल है, मान लें फ्रेंड्स इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल हो जाता है Ab2, यानी फ्रेंड्स क्या, तो Ab2 मान लें फ्रेंड्स इसका एक एग्जांपल है। अब फ्रेंड्स जो इसमें कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच जब फ्रेंड्स हम बांड बनाएंगे, यानी फ्रेंड्स इस प्रकार के इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। किस प्रकार से फ्रेंड्स, तो बी को फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि ए को फ्रेंड्स बीच में रख देते हैं, और फ्रेंड्स दोनों साइड में इसके फ्रेंड्स क्या कर देते हैं, तो बी बना देते हैं। फ्रेंड्स क्या बना देते हैं, तो बी बना देते हैं। तो आगे आपसे जब इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी फ्रेंड्स Ab2 का जब फ्रेंड्स हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो फ्रेंड्स हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब आप भी थोड़ा यहां पर फ्रेंड्स ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स एक है, फ्रेंड्स क्या कि जो ए के पास फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन है, फ्रेंड्स जो ए के पास इलेक्ट्रॉन है, ये फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इस अणु से भी फ्रेंड्स वही बांड बना रहा है, और फ्रेंड्स इस अणु से भी फ्रेंड्स वही बांड बना रहा है। फ्रेंड्स क्या बना रहा है, तो इक्वल बांड बना रहा है, यानी फ्रेंड्स क्या बना रहा है, तो इक्वल बांड बना रहा है, यानी फ्रेंड्स दोनों में बराबर कह सकते हैं कि बॉन्डिंग कर रहा है ये। अब इसी प्रकार फ्रेंड्स मैं आपसे इसका एक कह सकता हूं कि एग्जांपल दो, मान लें फ्रेंड्स कि ए के पास कितना बैलेंस ही है, यानी फ्रेंड्स ए का कह सकते हैं कि बैलेंस इसका इलेक्ट्रॉन मान लें कि कितना है, यानी फ्रेंड्स इसकी जो कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, कुछ ना कुछ तो मान लेते हैं फ्रेंड्स होती है किसी ना किसी तत्व की। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स यहां पर ए की जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्रेंड्स मान लिया कितना है, तो 4, यानी फ्रेंड्स कितना है, तो ए का जो फ्रेंड्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन है मान लिया फ्रेंड्स 4 है, यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप भी यहां पर देख रहे हैं, तो ए का मान लिया फ्रेंड्स आप सभी को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखना, आप सभी को आई होप दिखाई दे रहा होगा। तो मान लिया फ्रेंड्स कि ए का जो फ्रेंड्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्रेंड्स 4 है, कितना है फ्रेंड, तो 4 है। अब फ्रेंड्स जब ये बी के साथ फ्रेंड्स अपना जब बॉन्ड बनाएगा, तो फ्रेंड्स कैसे किस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा, फ्रेंड्स दोनों के साथ क्या करता है, फ्रेंड्स इक्वली शेयर्ड हो रहा है, यानी फ्रेंड्स क्या कि दोनों के पास कह सकते हैं कि बराबर बॉन्डिंग बना रहा है, यानी फ्रेंड्स क्या कर रहा है, तो ये जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन है, यानी फ्रेंड्स जो इसका इस पर जो फ्रेंड्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्रेंड्स दोनों जो परमाणु है उसके साथ फ्रेंड्स क्या कर रहा है, तो इक्वली शेयर्ड हो रहा है, फ्रेंड्स बराबर बराबर बांड बना रहा है। तो वही फ्रेंड्स हमारा फॉर्मल चार्जेस का कह सकते हैं कि अज्यूमिंग है। तो आई होप आपसी को इतना समझ में आ गया होगा। मैं एक बार चलिए दोबारा आपसी को परिभाषा बताता हूं कि द फॉर्मल चार्ज डिफाइन एज द चार्ज असाइन टू एन एटम इन ए मॉलिक्यूल अज्यूमिंग दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉन्ड इक्वली शेयर्ड। यानी फ्रेंड्स अब आई होप आपसी को मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि किसी भी अणु में जो फ्रेंड्स परमाणु पाए जाते हैं उन पर फ्रेंड्स जो चार्ज असाइन होता है, फ्रेंड्स उन परमाणुओं पर जो फ्रेंड्स चार्ज कह सकते हैं आवेशित होता है, उसे फ्रेंड्स कहते हैं फॉर्मल चार्ज। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स कहते हैं फॉर्मल चार्ज। और इसमें जो फ्रेंड्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो फ्रेंड्स बांड बनाते हैं, फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि ए का बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना था फ्रेंड्स 4 था, और फ्रेंड्स वो दोनों कह सकते हैं कि जो उसके पास जो दोनों फ्रेंड्स परमाणु थे उनके पास कह सकते हैं कि इक्वली क्या हो रहा था फ्रेंड्स शेयर्ड हो रहा था, इक्वली बांड बना रहा था। तो वही फ्रेंड्स होता है हमारा फॉर्मल चार्ज। तो वही फ्रेंड्स क्या है कि जो फ्रेंड्स इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्रेंड्स जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रेंड्स किसी भी कह सकते हैं कि एटम के पास जब फ्रेंड्स बांड बनाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स इक्वली शेयर्ड होते हैं। फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो बराबर बराबर शेयर्ड। यानी फ्रेंड्स पहले परमाणु के साथ फ्रेंड्स सिंगल बांड में वो बांड बनाएगा, तो दूसरे के साथ भी फ्रेंड्स सिंगल बांड ही बनाएगा, या फ्रेंड्स दूसरे के साथ कह सकते हैं कि पहले के साथ डबल बांड बनाएगा तो दूसरे के साथ भी डबल बांड बनाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स फॉर्मल आवेश है वो फ्रेंड्स किसी भी परमाणु में कह सकते हैं कि किसी भी अणु में जो फ्रेंड्स परमाणु होते हैं उस पर जो फ्रेंड्स आवेश होता है उसे फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज कहते हैं। और जो फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो जो फ्रेंड्स अपना जब बांड बनाता है तो वो फ्रेंड्स क्या होता है, तो इक्वली शेयर्ड होता है। फ्रेंड्स बराबर बराबर क्या होता है, तो शेयर्ड होता है। तो आई होप आपको फॉर्मल चार्ज का कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन है समझ में आ गया होगा। आई होप मैं ऐसा करता हूं कि फ्रेंड्स आपको डेफिनेशन अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया हो तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर देना। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको सिखाता हूं कि आखिरकार किस प्रकार से हम फॉर्मल चार्ज को निकालेंगे। फ्रेंड्स किसी भी मान लें कोई भी एटम है फ्रेंड्स, अब उस पर कितना फॉर्मल चार्ज है इसे फ्रेंड्स हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसका फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही कह सकते हैं बेहतरीन फॉर्मूला है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आखिर वो कौन सी फॉर्मूला है।
उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये बता दूं कि किसी भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एटम पर फॉर्मल चार्ज निकालने की फ्रेंड तीन चीजों के लिए जाना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड किसी भी प्रमाण पर जो फ्रेंड फॉर्मल चार्ज को निकालना है तो फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज को निकालने से पहले तीन चीजों के बारे में जानना बहुत ही नेसेसरी है। तो देखते फ्रेंड्स तो कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे सबसे पहली चीज है वो फ्रेंड्स होता है किसी भी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स फ्री एटम होता है उस पर जो फ्रेंड्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन आकर के कितने होते हैं, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज होगा फ्रेंड्स पेयर कह सकते हैं कि लोन पेयर यानी फ्रेंड्स क्या किसी भी इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर कितना होता है यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं उन्हें फ्रेंड्स कहते हैं लोन पेयर। पर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं वही फ्रेंड्स हमारे होते हैं लोन पेयर बन जाते हैं। तो वो फ्रेंड्स उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट है वो फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स जो परमाणु होते हैं वो फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं। इन तीनों चीजों जो जब तक फ्रेंड्स हम नहीं जानेंगे तब तक फ्रेंड्स हम किसी चीज का फॉर्मल इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज होगी यानी फ्रेंड्स पहला हमारा चीज होगा फ्री एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा चीज होगा फ्रेंड्स लोन पेयर और फ्रेंड्स जो तीसरा चीज हो गया वो फ्रेंड्स हो गया टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब तक फ्रेंड्स हम इन तीनों चीजों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि किसी भी फॉर्मल चार्ज का कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसकी जो आगे का डेफिनेशन मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन तीनों को रिलेट करके बनाया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि इसकी कह सकते हैं फॉर्मूला क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप आई होप मैं आशा करता हूं कि आप सभी को दिखाई बहुत ही आसानी से दे रहा होगा। तो मैंने फ्रेंड्स यहां पर लिखा है कि फॉर्मल चार्ज का फ्रेंड्स आकर फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स यहां पर लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम यानी जो फ्री एटम होता है उस पर आकर जो फ्रेंड्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स जानना बहुत ही जरूरी होता है। और फ्रेंड दूसरा क्या मैंने क्या बताया था, तो फ्रेंड दूसरा बताया था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर यानी फ्रेंड जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के पास बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और फ्रेंड्स इस पे जो लोन पेयर होता है वो फ्रेंड्स जानना बहुत ही जरूरी होता है। और फ्रेंड्स जो तीसरा चीज है वो फ्रेंड्स मैंने यहां पर कह सकते हैं कि जगह नहीं था तो इसका फ्रेंड्स मैंने नीचे लिख दिया है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी जो परमाणु होते हैं या तो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो परमाणु होते हैं फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। इन तीनों के चीजों के बारे में जब तक फ्रेंड्स हम नहीं जानेंगे तब तक फ्रेंड्स हम किसी भी चीज का फॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। मैं फ्रेंड्स अभी इसका एग्जांपल बहुत ही सरल भाषा में आप सभी को समझा दूंगा तो आई होप आप सभी को एकदम कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फॉर्मल चार्ज को टेंशन किस प्रकार से निकालेंगे, तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज को फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम जानेंगे। उसके में इसमें फ्रेंड्स क्या कर देंगे कि उसमें फ्रेंड्स हम माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देते फ्रेंड्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर को माइनस कर देंगे। उसमें भी फ्रेंड्स किसको माइनस कर देंगे, तो माइनस फ्रेंड्स 1/2 टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स यही कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा जो फार्मूला होता है फॉर्मल चार्ज को निकालने का, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार चलिए दोबारा आप सभी को बता दे रहा हूं कि इसमें फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम इसे फ्रेंड्स हम माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर जो फ्रेंड्स नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फिर जो बॉन्ड नहीं बनाता है इसमें से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि माइनस कर देंगे 1/2 टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर जो बॉन्ड बनाते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज का। अब जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को जानता हूं कि फ्रेंड्स थोड़ा आप सभी को फार्मूला बड़ा लग रहा होगा, इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को हो सकता है थोड़ा बहुत लर्न करने में इसे दिक्कत हो, तो इसके लिए मैंने फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक शॉर्ट फार्मूला बना दिया जिसे फ्रेंड्स आप बहुत ही कह सकते हैं कि तुरंत आप इसे लर्न कर सकते हैं देखते ही। तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, मैं फ्रेंड्स आप सभी को जितना कुछ हो पाएगा मैं उतना ही आप सभी के लिए आसान से आसान भाषा में आप सभी को सिखाऊंगा। तो ये तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया था, अब इसको फ्रेंड्स हम शॉर्ट रूप में इसी फार्मूला को लिखें। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से लिखेंगे, तो फ्रेंड्स मैंने यहां पर लिख दिया कि इसे फ्रेंड्स एफसी का मतलब हो गया फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज। फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज को हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या जानना होता है, तो फ्रेंड्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानना जरूरी होगा, तो इसलिए फ्रेंड्स हमने यहां पर बी लिख दिया। उसके बाद में फ्रेंड्स इसमें हम से किसको हम माइनस करेंगे, तो फ्रेंड्स लोन पेयर को यानी फ्रेंड्स किसको माइनस करेंगे, तो फ्रेंड्स जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी फ्रेंड्स जो लोन पेयर होता है उसको फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स माइनस करेंगे। अब उसमें से फ्रेंड्स किसको माइनस करेंगे, तो फ्रेंड्स 1/2 और फ्रेंड्स किसको माइनस करेंगे, तो फ्रेंड्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी फ्रेंड्स मैंने यस का मतलब यहां पर फ्रेंड्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी फ्रेंड्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको फ्रेंड्स माइनस कर देंगे, तो फ्रेंड्स हमारा क्या निकल जाएगा, तो अंततः फ्रेंड्स हमारा फॉर्मल चार्ज निकल जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है। तो फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है B, यानी कह सकते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी फ्रेंड्स यही फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज का। तो आई होप आप सभी को मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी को याद आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं देखता हूं कि अगर फॉर्मल चार्ज को हम किस प्रकार से किसी भी एटम पर निकालते हैं, मैं फ्रेंड्स इसका एग्जांपल भी आप सभी को इसी कह सकते हैं कि वीडियो में समझा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस प्रकार से निकालेंगे उसे।
तो फ्रेंड्स किसी भी एटम का कह सकते हैं फार्मल चार्ज निकालने के लिए। फ्रेंड्स हमने इसमें फ्रेंड्स सबसे कह सकते हैं कि जबरदस्त जो फ्रेंड्स अपना एग्जांपल नंबर वन लिया है वो फ्रेंड्स लिया है ओजोन की। फ्रेंड्स किसको लिया है तो फ्रेंड्स ओजोन को। अब फ्रेंड्स हम ओजोन का कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मल चार्ज निकालेंगे कि फ्रेंड्स आप जैसा कि आप यहाँ पर देख कर ये बताएं कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाया जाए कि ओजोन में फ्रेंड्स कितने अणु हैं। तो फ्रेंड्स ओजोन में कह सकते हैं कि कितने परमाणु हैं, तो ओजोन कह सकते हैं तीन परमाणु फ्रेंड्स ऑक्सीजन के तीन परमाणु से मिलकर जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा जो ओजोन है वो फ्रेंड्स मिला है। अब फ्रेंड्स में ओजोन का आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूं कि किस प्रकार से फ्रेंड्स हम ओजोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आई होप आपको यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा कि ये फ्रेंड्स हमने यहां पर तीन हो जाए फ्रेंड्स ओजोन के कितने परमाणु, तो फ्रेंड्स तीन परमाणु है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ओजोन का परमाणु यहां पर हो गया, दूसरा परमाणु कह सकते हैं फ्रेंड्स यहां पर हो गया, और फ्रेंड्स जो तीसरा परमाणु था वो फ्रेंड्स यहां पर हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स ओजोन के तीन परमाणु हैं, फ्रेंड्स पहला परमाणु, दूसरा परमाणु और फ्रेंड्स तीसरा परमाणु। मैंने फ्रेंड्स यहां पर कह सकते थे कि नंबर वाइज लिख भी दिया है कि पहला परमाणु, दूसरा परमाणु और फ्रेंड्स तीसरा परमाणु। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आखिरकार ओजोन कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ऑक्सीजन होता है इसका आखिरकार फ्रेंड्स जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रेंड्स कितना होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे भी भली भांति आपने क्लास नाइन्थ में टेंथ में पढ़ा भी होगा, ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस समय आपसे मैंने पढ़ा भी होगा। ये फ्रेंड्स जानना हर एक चीज का कह सकते हैं कि बहुत ही जरूरी, जब तक फ्रेंड्स आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेंगे तब तक फ्रेंड्स हो सकता है कि आपसे फार्मल चार्ज को ना निकाल पाए। तो आपसे को बैलेंस कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे जानना फ्रेंड्स आपसे के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आपसे को मैं फ्रेंड्स किसी अन्य वीडियो में आप भी कहेंगे तो मैं फ्रेंड्स आपसे कमेंट करेंगे तो मैं फ्रेंड्स उसका कमेंट वीडियो आपसे के लिए बना दूंगा किस प्रकार से हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सीजन होता है इसका फ्रेंड्स जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स कितना होता है। तो फ्रेंड्स किसी भी ऑक्सीजन के एक परमाणु पर कह सकते हैं फ्रेंड्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रेंड्स होता है 6, यानी फ्रेंड्स कितना होता है तो फ्रेंड्स 6 होता है। तो आई होप मैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर फ्रेंड्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप यहां पर पॉइंट से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और फ्रेंड्स छठवां पॉइंट। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स हम सभी पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 को रखने गए फ्रेंड्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम ऊपर वाले पर भी फ्रेंड्स लिख देंगे फ्रेंड्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी फ्रेंड्स ऑक्सीजन के परमाणु हैं उन सभी का फ्रेंड्स जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स हर एक परमाणु का कह सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो ऑक्सीजन के जो फ्रेंड्स परमाणु होते हैं उनका फ्रेंड्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, यानी फ्रेंड्स कितना होता है तो 6 होता है। जैसा कि आप भली बात यहां पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ऑक्सीजन के चारों ओर कह सकते हैं कि 6 पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे फ्रेंड्स, इसके चारों ओर 6 पॉइंट है, इसके चारों ओर भी फ्रेंड्स 6 पॉइंट है और फ्रेंड्स इसके चारों ओर भी फ्रेंड्स कितने पॉइंट है तो 6 पॉइंट है। तो आई होप आपको समझ में इतना आ गया होगा कि फ्रेंड्स हम ऑक्सीजन को पहले कह सकते हैं कि इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स इस पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अपने जैसा कि आप भलीभांति जानते हैं कि फ्रेंड्स जो परमाणु यानी जो परमाणु होते हैं फ्रेंड्स उनका अपना अपटक पूरा करना होता है फ्रेंड्स का, कि फ्रेंड्स जब तक वो अपना अपटक नहीं पूर्ण करेंगे तब तक फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो अपना फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये फ्रेंड्स अपना ऑक्सीजन अपना अपटक पूर्ण करेगा, ये भी फ्रेंड्स ऑक्सीजन अपना अपटक पूर्ण करेगा और फ्रेंड्स ये भी ऑक्सीजन अपना अपटक पूर्ण करेगा। तो किस प्रकार से फ्रेंड्स देखते हैं कि पूर्ण करता है, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन के फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन फ्रेंड्स जो यहाँ पर कह सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्रेंड्स इसके 6 हैं। अब इसमें फ्रेंड्स क्या कर लेगा कि ये फ्रेंड्स ऑक्सीजन के जो फ्रेंड्स बैलेंस जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन के भी फ्रेंड्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं और फ्रेंड्स इस ऑक्सीजन के भी फ्रेंड्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अब फ्रेंड्स क्या करेगा कि ये दोनों फ्रेंड्स आपस में क्या कर लेगा फ्रेंड्स डबल बॉन्ड बना लेगा, यानी फ्रेंड्स क्या कि इसके फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन इससे कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड बनाएगा और फ्रेंड्स इससे एक इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स इससे सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये फ्रेंड्स कुल मिलाकर कितने बॉन्ड हो गए तो फ्रेंड्स 2 बॉन्ड हो गए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स डबल बॉन्ड बना लिया कि नहीं बना लिया। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं कि ये फ्रेंड्स अपना अपटक यानी फ्रेंड्स अपना जो ऑक्टेव है वो फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिया, फ्रेंड्स 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑक्सीजन के पास थे ही थे लेकिन फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिए। तो फ्रेंड्स इसका अपटक पूरा हो गया कि नहीं पूरा गया, फ्रेंड्स 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए तो फ्रेंड्स हो गए। तो फ्रेंड्स जो ये ऑक्सीजन था इसका फ्रेंड्स अपटक पूरा हो गया। अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो इसका अपटक देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन का कर सकते हैं फ्रेंड्स इस ऑक्सीजन के पास है ही है और फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स यहां से इससे ले लेता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा तो फ्रेंड्स इससे भी कह सकते हैं कि इसका अष्टक भी पूरा होगा कि नहीं होगा तो पूरा हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां फ्रेंड्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो फ्रेंड्स 6 इलेक्ट्रॉन थे फ्रेंड्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, यानी फ्रेंड्स 6 इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स इसके पास थी। अब फ्रेंड्स इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है फ्रेंड्स तो अभी 2 इलेक्ट्रॉनों की फ्रेंड्स कमी है फ्रेंड्स, क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन की फ्रेंड्स इसके पास कमी है। तब ये फ्रेंड्स इससे क्या कहेगा कि फ्रेंड्स आप अपना 2 इलेक्ट्रॉन हमें क्या कर दीजिए फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए, फ्रेंड्स अपना हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए जिससे फ्रेंड्स हमारा भी इलेक्ट्रॉन का मतलब हमारा भी अब तक फ्रेंड्स क्या हो जाए तो पूरा हो जाए। तो इसका इसका से फ्रेंड्स ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स पहले इलेक्ट्रॉन यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर फ्रेंड्स शेयर कर देगा तो इसका भी फ्रेंड्स अब तक क्या हो जाएगा फ्रेंड तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में इतना आ गया होगा कि कोई भी फ्रेंड्स हम ओजोन का जब फ्रेंड्स यहां पर कर सकते हैं स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फ्रेंड्स ओजोन को पहले हम इस रूप में डिफाइन करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स इसका हम कर सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखेंगे सभी का 6 होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे इनमें फ्रेंड्स जो बॉन्ड देखते हैं कि किस प्रकार से इनमें बॉन्ड बनता है तो इसे फ्रेंड्स हम डबल बॉन्ड को बना लेंगे, इसका फ्रेंड्स अष्टक पूरा हो जाएगा यहां से यहां पर मिलाकर इसका भी फ्रेंड्स अष्टक पूरा हो जाएगा और फ्रेंड्स ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा और फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका भी अष्टक
पूरा हो जाएगा। अब हमें ये फ्रेंड्स देखना है कि आकर के फ्रेंड जो पहला कह सकते हैं कि जो एटम नंबर ऑक्सीजन का पहला एटम नंबर है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स ऑक्सीजन है फ्रेंड्स इस ऑक्सीजन के इस परमाणु पर देखते हैं कि फ्रेंड्स कितना फॉर्मल चार्ज होगा, दूसरे परमाणु पर फ्रेंड्स कितना फॉर्मल चार्ज होगा, तीसरे परमाणु पर फ्रेंड्स कितना फॉर्मल चार्ज होगा। फ्रेंड्स देखेंगे अलग अलग परमाणुओं पर फ्रेंड कितना कितना फॉर्मल चार्ज निकलता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम नंबर वन यानी फ्रेंड्स एटम नंबर वन पर यानी फ्रेंड्स ऑक्सीजन के एटम नंबर वन पर देखते हैं फ्रेंड्स कि आकर का कितना फॉर्मल चार्ज होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को फॉर्मल चार्ज का जो फ्रेंड्स फार्मूला था मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बता दिया कि फॉर्मल चार्ज को हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले कह सकते हैं कि बैलेंसी को जानना जरूरी होता है और फ्रेंड जो लोन पेयर होता है उसको भी फ्रेंड्स जानना बहुत जरूरी होता है और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है उसको भी फ्रेंड्स जानना बहुत जरूरी होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस प्रकार से इसका हम निकालेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमें एटम नंबर वन का कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के एटम नंबर वन का फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जैसा कि फॉर्मूला आप भी देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें बैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है। तो फ्रेंड्स इस ऑक्सीजन का कह सकते हैं कि कितने बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो जैसा कि भली भांति आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स ये ऑक्सीजन है इसका फ्रेंड्स बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना फ्रेंड तो 6 है यानी जैसा कि आप सभी यहां पर देख रहे हैं कि 6 पॉइंट इसके करीब है फ्रेंड्स उसे बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो फ्रेंड्स कितना है, तो फ्रेंड्स इसका बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 6। अब आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब इस पे फ्रेंड्स देखते हैं कि आकर का इस पे लोन पेयर कितना है। तो जैसा कि आप भली भांति यहां पर देख रहे हैं फ्रेंड्स यहां पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स बैलेंसी के बाद इसका चिन्ह लगेगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि इस पर लोन पेयर कितना है। तो जैसा कि भली भांति आप यहां पर देख रहे हैं कि इसके साथ फ्रेंड्स ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्रेंड्स अपना बॉन्ड बना दे रहे हैं लेकिन फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन अभी बच रहे हैं, तो फ्रेंड्स 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और फ्रेंड्स 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं फ्रेंड्स अभी बच रहे हैं यानी फ्रेंड्स इसे ही लोन पेयर कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम जो 4 इलेक्ट्रॉन है यानी इसे लोन पेयर कहते हैं तो फ्रेंड्स हमने यहां पर 4 लिख दिया। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, उसके बाद फ्रेंड्स हमें 1/2 यानी फ्रेंड्स 1/2 करना है और फ्रेंड्स अब देखेंगे कि फ्रेंड्स जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आखिरकार कितने हैं। तो जैसा कि भली भांति आप यहां पर देख सकते हैं कि दो फ्रेंड्स 1 इलेक्ट्रॉन इसके 1 इलेक्ट्रॉन यानी फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन और फ्रेंड्स 1 इलेक्ट्रॉन इसके 3 और उसके फ्रेंड्स 4 यानी फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर्ड हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो फ्रेंड्स आपस में शेयर्ड हो रहे हैं फ्रेंड्स क्या हो रहे हैं फ्रेंड्स तो शेयर्ड हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए फ्रेंड्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हम बैलेंसी देखेंगे तो फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन का बैलेंसी वो फ्रेंड्स 6। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके लोन पेयर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी यहां पर देखते हैं कि ऑक्सीजन के जो फ्रेंड्स 4 इलेक्ट्रॉन है वो फ्रेंड्स लोन पेयर्ड में है तो ये फ्रेंड्स 4 हमारे ये हो गए। अब उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जैसा कि आप भली भांति देख सकते हैं कि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और फ्रेंड्स चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रेंड्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहां पर सभी को लिख दिया। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका हम कैलकुलेट करके देखते हैं फ्रेंड्स क्या आएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि 2 से फ्रेंड्स हम 4 को काटेंगे तो फ्रेंड 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड 4 हो जाएगा और फ्रेंड जब 4 में से 4 और 2 फ्रेंड्स कितना होगा यार फ्रेंड -4 और -2 कह सकते हैं कि -4 और -2 फ्रेंड्स कितना होगा तो 6 हो गया। अब जब फ्रेंड 6 में से 6 को घटाएंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, तो 6 में से जब फ्रेंड 6 को घटाएंगे तो 0 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड तो 0 आएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स एक बार मैं दोबारा कैलकुलेट को समझा रहा हूं कि 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी फ्रेंड 2 आ गया। अब फ्रेंड्स -4 को और फ्रेंड्स -2 को फ्रेंड्स आपस में जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स -6 हो जाएगा। जब फ्रेंड्स +6 में से -6 को घटाएंगे फ्रेंड तो कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में पहला हमारा कह सकते हैं कि एटम आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इस पर कह सकते हैं कि कितना फॉर्मल चार्ज है फ्रेंड, पहले आप इस पर फॉर्मल चार्ज कितना है, तो फ्रेंड्स 0 है यानी फ्रेंड्स कितना है तो 0 है। तो आई होप आप सभी को पहला कह सकते हैं कि जो पहला ऑक्सीजन का एटम है इस पर फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज कितना है तो 0 है। आई होप आप सभी को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो हमारा इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स दूसरा कह सकते हैं ऑक्सीजन का एटम है इस पर देखते हैं फ्रेंड्स कि कितना फॉर्मल चार्ज है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका भी फॉर्मल चार्ज कितना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसका भी फ्रेंड्स हमें बैलेंसी जानना सबसे जरूरी है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप भली भांति बता दें कि मैं फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन का बैलेंसी वो फ्रेंड्स इसका भी 6 है यानी फ्रेंड्स कितना है, तो मैं एक बार आपको दोबारा दिखा दे रहा हूं कि यानी फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स बैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फ्रेंड्स 6 इसका बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसके पास आखिरकार कितने लोन पेयर हैं। तो जैसा कि भली भांति आप यहां पर फ्रेंड्स देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स इससे शेयर्ड हो जा रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स इससे बॉन्ड बना ले रहा है यानी फ्रेंड्स क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स शेयर्ड हो जा रहे हैं और फ्रेंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना ले रहा है। अब फ्रेंड्स बचते अगर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स, 1 इलेक्ट्रॉन और फ्रेंड 2 इलेक्ट्रॉन केवल इलेक्ट्रॉन मिलाकर बचा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम फ्रेंड्स यहां पर कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स कैसे हैं, तो ये फ्रेंड्स हमारे लोन पेयर हैं फ्रेंड्स। तो 6 -2 हो गया, उसके बाद फ्रेंड्स 1/2, उसके बाद फ्रेंड्स किसको लिखेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आखिरकार कितने हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें फ्रेंड्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जैसा कि आप भली भांति यहां पर देख सकते हैं कि 2 फ्रेंड्स इस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि इसके फ्रेंड्स यहां पर क्या हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स इसके शेयर हो रहे हैं फ्रेंड, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये 2 इलेक्ट्रॉन ये फ्रेंड्स ये हो गए और फ्रेंड 2 इलेक्ट्रॉन ये फ्रेंड्स ये हो गए। तो 1 2 3 4 5 यानी फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉनों की इसमें फ्रेंड्स आपस में शेयरिंग हो रही है, तो फ्रेंड 6 इलेक्ट्रॉनों के कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपस में शेयरिंग हो रही है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा
मैं एक बार दोबारा बता दूं तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप भली भांति देख रहे हैं कि फ्रेंड्स पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, फ्रेंड्स ये आपस में शेयर हो रहे हैं चारों इलेक्ट्रॉन की, नहीं हो रहे हैं तो हो रहे हैं ओपन टू इलेक्ट्रॉन, ये यानी फ्रेंड्स ये कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन की आपस में फ्रेंड्स क्या हो रही है, तो शेयरिंग हो रही है। अब देखिए फ्रेंड्स इसका कितना फॉर्मल चार्ज बनेगा, तो फ्रेंड्स इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रेंड दो एकम दो, दो तीन या छह, यानी फ्रेंड्स कितना हो गया, तो -2 और -3 फ्रेंड्स कितना हो गया, तो 5 हो गया, फ्रेंड्स -5। अब जब 6 में से फ्रेंड्स -5 जाएगा तो फ्रेंड्स कितना बचेगा, तो फ्रेंड्स प्लस का 1 बचेगा, यानी फ्रेंड्स कितना बचेगा, तो +1, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड एटम है ऑक्सीजन का, इस पर फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज कितना है, तो फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज इस पर फ्रेंड्स है +1, यानी फ्रेंड्स कितना है, तो +1 है। तो आई होप आपको दूसरा भी एटम पर जो फॉर्मल चार्ज है वो भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि जो ऑक्सीजन का तीसरा परमाणु है इस पर देखते हैं फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज कितना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसके लिए फ्रेंड्स क्या जानना जरूरी है, तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले जानना वही फ्रेंड्स बैलेंसी, यानी फ्रेंड्स क्या, तो बैलेंसी जानना इसके लिए सबसे पहले जरूरी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसकी बैलेंसी कितनी है, तो फ्रेंड्स इस ऑक्सीजन की फ्रेंड्स बैलेंसी है 6। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस पर आकर कितना लोन पेयर है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर देख रहे हैं कि आकर इस पर लोन पेयर फ्रेंड्स कितना है, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स हमारा पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, चौथा लोन पेयर और फ्रेंड्स पांचवा लोन पेयर, यानी फ्रेंड्स कितना लोन पेयर, तो फ्रेंड्स पांचवा लोन पेयर और फ्रेंड्स ये छठवां भी लोन पेयर है, यानी फ्रेंड्स क्या, तो फ्रेंड्स छठवां भी लोन पेयर है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले रहा है, फ्रेंड्स ये इससे शेयरिंग तो कर रहा है, तो ये फ्रेंड्स 6 के 6 इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स क्या हो गए, तो फ्रेंड्स ये लोन पेयर हो गए, फ्रेंड्स क्या हो गए, तो लोन पेयर हो ना फ्रेंड्स इसके साथ ही, ना कि इसके पास कह सकते हैं बांड तो बना नहीं रहे, क्योंकि फ्रेंड्स इक्वली तो शेयर्ड हो नहीं रहे हैं, तो ये फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, तो ये फ्रेंड्स अपना शेयरिंग ही तो ले रहे हैं, यानी फ्रेंड्स ये 6 इलेक्ट्रॉन ही थे और उसके साथ साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, तभी फ्रेंड्स ये अपना स्टक पूरा करेंगे, तो ये फ्रेंड्स 6 इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स क्या हो गए, तो लोन पेयर हो गए, यानी फ्रेंड्स 6 इलेक्ट्रॉन पे फ्रेंड्स क्या हो गए, तो लोन पेयर हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या ले लेंगे 1/2, उसके बाद अब देखते हैं फ्रेंड्स कि कितने इलेक्ट्रॉन की इसमें फ्रेंड्स शेयरिंग हो रही है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप भी यहां पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है इनके फ्रेंड्स इस ऑक्सीजन के साथ फ्रेंड्स क्या हो रही है, तो शेयरिंग हो रही है, यानी फ्रेंड्स क्या हो रही है, तो फ्रेंड्स शेयरिंग हो रही है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका भी फ्रेंड्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फ्रेंड्स 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी फ्रेंड्स कितना गया -6 और फ्रेंड्स -1, यानी फ्रेंड्स क्या, तो -6 और फ्रेंड्स -1, यानी फ्रेंड्स कितना होगा, तो -7 हो गया। अब 6 में से फ्रेंड्स -7 को जब घटाएंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो -1 थर्मल चार्ज आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको समझ में एकदम कंप्लीटली आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स ऑक्सीजन का पहला परमाणु है इसमें फ्रेंड्स जो फॉर्मल चार्ज है वो फ्रेंड्स कितना है, तो 0 है। फॉर्मल चार्ज फ्रेंड्स कितना है, तो फॉर्मल चार्ज फ्रेंड्स कह सकते हैं 0 है। जो फ्रेंड्स ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु है इसमें फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज कितना है, तो इसमें फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज है +1। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा परमाणु है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का इस पर फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज कितना है, तो इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज है -1। तो आई होप आपको, मैं ऐसा करता हूँ कि पहला आपको कह सकता हूँ कि एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक दूसरा भी एग्जाम्पल समझा देता हूं, तो आई होप आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा और वीडियो में फ्रेंड्स आपको मजा आ रहा होगा, तो आपको कह सकता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आखिरकार इसका सेकंड एग्जांपल क्या है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये दूसरा एग्जांपल है फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर 2 है। फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर 2 में फ्रेंड्स हम किसे लेंगे, तो फ्रेंड्स कार्बोनेट को लेंगे, किसको लेंगे फ्रेंड्स, तो कार्बोनेट को लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स कि कार्बोनेट का जो फॉर्मल चार्ज होगा ये फ्रेंड्स किसका, फ्रेंड्स अलग अलग परमाणुओं पर फ्रेंड्स क्या क्या फॉर्मल चार्ज होगा, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप भली भांति कार्बोनेट का फॉर्मूला जानते हैं कि फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है CO3-2, यानी फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला यही होता है फ्रेंड्स CO3-2। अब फ्रेंड्स हम बात करें कि आखिर जो फ्रेंड्स कार्बोनेट होता है इसका फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स स्ट्रक्चर की सहायता से फ्रेंड्स हमें जो फॉर्मल कर सकते हैं जो चार्ज होगा वही फ्रेंड्स तभी हम निकाल पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसका हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप सब यहाँ पर स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया है फ्रेंड्स कार्बन को, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कार्बन एक ही है, तो फ्रेंड्स कार्बन को मैंने बीच में रख दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स ऑक्सीजन के कह सकते हैं कि कितने परमाणु है फ्रेंड, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का पहला परमाणु, दूसरा परमाणु और फ्रेंड तीसरा परमाणु। तो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स ऑक्सीजन के मैंने 3 परमाणु को यहाँ पर लिख दिया है। अब भली बात आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया ही था कि ऑक्सीजन के फ्रेंड्स कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन के 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स सबसे पहले इनके 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों को लिख देते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी यहां पर देख रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यानी फ्रेंड्स 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसके लिख दिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसके भी 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिख दिए और फ्रेंड्स इसके भी 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिख दिए। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि आखिरकार कार्बन के कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी को नहीं पता तो आप सभी जान लीजिए कि फ्रेंड्स जो कार्बन होता है इसके फ्रेंड्स पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो 4 होते हैं। मैंने फ्रेंड्स यहां पर पहला और फ्रेंड्स दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद फ्रेंड्स चौथा, यहां पर कह सकते हैं कि कार्बन के कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो कार्बन है वो फ्रेंड्स ऑक्सीजन से किस प्रकार से जो अपना बॉन्ड है वो फ्रेंड्स बनाएगा।
तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूँ कि जो फ्रेंड्स ऑक्सीजन के ये जो फ्रेंड दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये फ्रेंड्स कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपना डबल बॉन्ड जो फ्रेंड्स है वो क्रिएट कर लेंगे, अपना डबल बॉन्ड अपना बना लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये बता दूँ कि जो फ्रेंड्स कार्बन का ये फ्रेंड्स ये परमाणु है फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स कार्बन का ये परमाणु है ये फ्रेंड्स ऑक्सीजन के इस परमाणु से फ्रेंड कर सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड की सहायता से जुड़ जाएगा, और फ्रेंड जो कार्बन का ये परमाणु है ये फ्रेंड्स इस ऑक्सीजन के पास कर सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा जुड़ेगा। फ्रेंड्स कहते हैं देखिए आप सभी यहाँ पर देखें कि फ्रेंड्स इक्वली शेयर हो गया फ्रेंड्स, क्या हो रहा है तो फ्रेंड्स इक्वली शेयर हो गया फ्रेंड्स, एक बॉन्ड इधर बना रहा तो फ्रेंड्स एक बॉन्ड भी इधर बना रहा है फ्रेंड्स, क्या हो रहा है तो फ्रेंड्स इक्वली शेयर हो रहा है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स ऑक्सीजन का कर सकते हैं जो फ्रेंड्स ये परमाणु है ये फ्रेंड्स कार्बन के इस परमाणु के साथ कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड से अपना कर सकते हैं बॉन्ड बना लेगा, और फ्रेंड्स जो कार्बन का जो फ्रेंड्स ये परमाणु है फ्रेंड्स इस ऑक्सीजन वाले से सिंगल बॉन्ड से अपना जो कर सकते हैं बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, और फ्रेंड्स कार्बन का यही परमाणु कर सकते हैं फ्रेंड्स इस ऑक्सीजन के साथ कर सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड से अपना जो कर सकते हैं कि बॉन्ड जो फ्रेंड्स क्या करेगा क्रिएट कर लेगा। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब फिलिप फ्रेंड्स हम निकालते हैं कि जो फ्रेंड्स इसमें जो कार्बन है फ्रेंड्स क्या किस सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड जो कार्बन है इसका क्या फ्रेंड्स कितना फॉर्मल चार्ज होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को यहां पर बता दूं कि आप सभी को परिभाषा याद सॉरी फ्रेंड्स फार्मूला याद ही होगा कि फॉर्मल चार्ज नंबर ऑफ कार्बन है फ्रेंड्स, क्या कार्बन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो फार्मूला वो फ्रेंड्स जानना सबसे जरूरी है, तो इसलिए मैंने फ्रेंड्स फार्मूला एक बार दोबारा यहाँ पर आप सभी के लिए लिख भी दिया है कि इसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस वन कह सकते हैं कि हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी फ्रेंड्स यही होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसकी सहायता से किस प्रकार से हम कार्बन का कर सकते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को यहां पर बता दूं कि सबसे पहले फ्रेंड्स हम कार्बन का क्या निकालेंगे, तो फ्रेंड्स कार्बन का देखेंगे कि बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो जैसा कि मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि फ्रेंड्स कार्बन का बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो फ्रेंड्स एक दो तीन और चार, यानी फ्रेंड्स कार्बन का बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया फ्रेंड, तो कार्बन का बैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया चार। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस पर लोन पेयर अक्ष का कितना होता है, तो देख सकते हैं कि फ्रेंड्स इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं, फ्रेंड्स ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो आपस में सभी बॉन्ड बना रहे हैं फ्रेंड्स, इस पर अभी कोई जो इलेक्ट्रॉन वो फ्रेंड्स बचा नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स इसका लोन पेयर कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका लोन पेयर हो जाएगा जीरो, यानी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा कि तो हाफ, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अभी कितना इलेक्ट्रॉन ये फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि शेयर कर रहा है, तो देखते हैं फ्रेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है। तो जैसा कि पहली बात आप यहां पर देख सकते हैं कि एक दो तीन चार, उसके बाद फ्रेंड्स पांच छह सात आठ, यानी फ्रेंड्स आठ इलेक्ट्रॉन ये फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, आठ इलेक्ट्रॉन आपस में फ्रेंड्स साझा किए हुए हैं फ्रेंड्स, आपस में क्या है फ्रेंड्स तो शेयर है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर है फ्रेंड्स, तो आठ इलेक्ट्रॉन शेयर है फ्रेंड्स, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां और आठवां, यानी फ्रेंड्स आठ इलेक्ट्रॉन आपस में फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं तो शेयर कर रहे हैं। तो प्रकार से फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा, इसे फ्रेंड्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दो एकम दो दो चौके आठ है फ्रेंड्स, कितना हो गया तो चार हो गया। अब जब फ्रेंड्स चार में से चार गया तो फ्रेंड्स कितना आ गया, तो जब फ्रेंड्स चार में से चार जाएगा तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा तो जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स तो जीरो आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स कार्बन है इसका फ्रेंड्स कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज कितना होता है, तो फ्रेंड्स जो कार्बन है कार्बोनेट में जो फ्रेंड्स कार्बन है इसका फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज कितना है, तो इसका फ्रेंड्स कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज कितना है फ्रेंड्स तो जीरो है फ्रेंड्स, कितना है तो जीरो है। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो फ्रेंड्स डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसका फ्रेंड्स थर्मल चार्ज आकर कितना होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेंड्स जो डबल कह सकते हैं जो फ्रेंड्स ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसका फ्रेंड देखने की फॉर्मल चार्ज क्या, मैंने फ्रेंड्स इसके लिए भी फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया है कि फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, फ्रेंड जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है इसका फ्रेंड देखने की फॉर्मल चार्ज कितना होता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स फॉर्मल चार्ज का फ्रेंड्स यही है कि वी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस हाफ फेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी फ्रेंड्स यही इसका फॉर्मला है। अब देखते फ्रेंड्स इसकी सहायता से किस प्रकार निकालेंगे, तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स छह, कितना होता है फ्रेंड्स तो ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है छह। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इस पर लोन पेयर कितना है, तो जैसा कि आप भली बात यहां पर देख रहे हैं कि फ्रेंड्स पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन और फ्रेंड्स चार इलेक्ट्रॉन, यानी फ्रेंड्स इस पर कितने इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं अभी शेष बचे हुए हैं, तो फ्रेंड्स चार इलेक्ट्रॉन बचे हुए, यही फ्रेंड्स हमारा लोन पेयर हो गया, तो छह माइनस चार हो गया। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स इसमें कितना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर भली भांति देख रहे हैं कि इसमें फ्रेंड्स कितना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दो, उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा और फ्रेंड्स चार इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो फ्रेंड्स चार इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं कि आपस में साझा करके अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहां पर चार लिख दिया। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसे कैलकुलेट कर कितने इलेक्ट्रॉन जो हमारे फॉर्मल चार्ज है वो आते हैं, तो मैं फ्रेंड्स इसे कैलकुलेट कर लेता हूं। सबसे पहले तो देखते फ्रेंड दो एकम दो और फ्रेंड दो दूनी चार, अब फ्रेंड चार माइनस चार और फ्रेंड्स माइनस दो को जब आपस में जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा तो छह हो जाएगा, और जब फ्रेंड छह में से छह को घटाएंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज कितना है, तो फ्रेंड्स इसका भी फॉर्मल चार्ज कितना है फ्रेंड तो जीरो है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं आप सभी कि दोनों फ्रेंड्स सिंगल सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अब फ्रेंड्स हम इनमें से किसी भी एक का फ्रेंड्स निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स इसका फ्रेंड्स जो आएगा मान वही फ्रेंड्स इसका भी फॉर्मल चार्ज आएगा। तो इनमें से फ्रेंड्स किसी भी एक का हम चलिए निकाल लेते हैं, यानी फ्रेंड्स जो सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसका फ्रेंड देखते हैं कि आखिरकार फॉर्मल चार्ज है वो फ्रेंड्स कितना है।
तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहां पर देख रहे हैं कि मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन आयन, जो फ्रेंड्स सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है इसका फ्रेंड्स देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज आखिरकार कितना होता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले फार्मूला में जानना जरूरी है फॉर्मल चार्ज का। तो फ्रेंड्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसकी सहायता से किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आप सभी को यह बता दूं कि जो फ्रेंड्स इसका सबसे पहले देखेंगे कि जो फ्रेंड्स सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है या फिर जो सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अब इसका फ्रेंड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा और छठवां, यानी फ्रेंड्स ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 6, यानी फ्रेंड्स कितना है, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 6। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस पर लोन पेयर कितना है। अब जैसा कि आप भली बात यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स इस पर लोन पेयर कितना है, तो ये फ्रेंड्स कोई अपना कह सकते हैं कि बॉन्ड तो बना रहे हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि कोई बॉन्ड तो बना रहे हैं फ्रेंड्स, इस पर कितना कह सकते हैं कि अपना अब तक ही फ्रेंड्स इसे पूरा करना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स सातवां आठवां ये फ्रेंड्स बन जाता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अपना कह सकते हैं कि बॉन्डिंग कर रहा है। अब फ्रेंड्स इस पर कितने कह सकते हैं कि लोन पेयर हो गए, तो इस पर फ्रेंड्स लोन पेयर की फ्रेंड्स संख्या कितनी हो गई, तो 6 भी हो गई। यानी फ्रेंड्स कितनी हो गई, तो 6 हो गई। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इस पर फ्रेंड्स जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो फ्रेंड्स कितना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर देख रहे हैं कि फ्रेंड्स जो ये बॉन्ड बना है फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग आपस में कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स पहला इलेक्ट्रॉन और फ्रेंड्स अपना ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग हो रही है, तो फ्रेंड्स दो इलेक्ट्रॉन की आपस में फ्रेंड्स क्या हो रही है, तो फ्रेंड्स शेयरिंग हो रही है। फ्रेंड्स कितने कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो दो इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग हो रही है। अब इसे फ्रेंड्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फ्रेंड्स 2 एकम 2 और फ्रेंड्स 2 एकम 2, यानी फ्रेंड्स कितना बच गया, तो -1 बच गया। अब फ्रेंड्स -6 और फ्रेंड्स -1 आपस में जुड़ेंगे तो फ्रेंड्स -7 हो जाएगा। और जब फ्रेंड्स हम 6 में से -7 को फ्रेंड्स क्या कि जब हम फ्रेंड्स 6 में से कर सकते हैं, आप सब यहां पर देख सकते हैं कि जब फ्रेंड्स हम 6 में से -7 को फ्रेंड्स घटाएंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। यानी फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स -1 कह सकते हैं कि हमारा फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को मैं कह सकता हूं कि जितना भी मैंने कुछ बताया है आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को कह सकते हैं कि कार्बन का डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का जो फ्रेंड्स सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उन सभी का फ्रेंड्स जो फॉर्मल चार्ज है आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को कह सकते हैं कि ये वीडियो फ्रेंड्स 50% भी मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को 110% समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप सभी को 50% भी समझ में आ गया हो और फ्रेंड्स आप सभी को इसी प्रकार से अपनी केमिस्ट्री की तैयारी करनी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सही समय पर करनी है, तो आप लोग को जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चर को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी का मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट बार बार यही करता कहता हूं कि फ्रेंड्स बीएससी का यही एक मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो फ्रेंड्स आपसे ने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फ्रेंड्स आप सभी नए हो और फ्रेंड्स अभी यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो के बेल नोटिफिकेशन को फ्रेंड्स का कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को लाइक करने में और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने में आप सभी को कोई भी बैलेंस नहीं देना होता, आप सभी को कोई भी प्रीमियम नहीं देना होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें फ्रेंड्स ये बताएं कि आप सभी को जो फ्रेंड्स ये वीडियो है वो फ्रेंड्स कैसे लगी, और आप सभी को इसमें फ्रेंड्स अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर सकते हैं, फ्रेंड्स उसका कॉमन वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। और मैं उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सभी का जो नेक्स्ट पॉइंट है आप उसे भी बता सकते हैं, मैं फ्रेंड्स उसके लिए फ्रेंड्स आप सभी का कह सकता हूं कि कॉमन वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करना। और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा अपने इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशन में फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।